वैसे तो हमारा ग्रह पृथ्वी एक जलीय ग्रह है, लेकिन क्या वजह है कि आज भी लगभग 125 अरब लोग, लगभग पूरी आबादी का 25% लोग पीने के स्वच्छ जल से महरूम है। वैसे तो हमारे पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसका 97% पानी पीने के योग्य नहीं है, वह खारे पानी के रूप में समुद्र में है। बचा 3% पानी, उसका भी 2% पानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के रूप में जमा है। शेष जो 1% पानी बचता है, उसका भी 0.5% हिस्सा भूगर्भ में भूजल के रूप में तथा 0.5% हिस्सा पृथ्वी की सतह पर बरसात, नाले, नदियां, झील, तालाब के रूप में बसा हुआ है। वैसे तो ये प्रकृति एक अनूठा, हम कह सकते हैं एक यूनिक जलीय चक्र मेंटेन करती है, जिसमें होता क्या है कि पृथ्वी पर जो मौजूद पानी है वो वाष्पीकृत होकर सूरज की तेज गर्मी की वजह से बादलों के रूप ले लेता है, और वही बादल बरसात का रूप लेकर वापस पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी पर हमेशा एक चक्रीय कार्यक्रम के अनुसार स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है, और इसी स्वच्छ जल की आपूर्ति की वजह से ही इस पृथ्वी पर लाखों सालों से जीवन अभी तक बना हुआ है। लेकिन अब वजह क्या है कि इतनी भारी मात्रा में पानी होते हुए भी 125 अरब लोग आज की तारीख के अनुसार पीने के पानी से महरूम है। इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि जल प्रदूषण क्या है और इसके क्या प्रभाव आने वाले वर्षों में पड़ने वाले हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जल प्रदूषण आखिर होता क्या है। पृथ्वी पर आबादी बहुत तेज गति से बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन जनसंख्या में बहुत तेज मात्रा में वृद्धि हो रही है। उस बढ़ती हुई जनसंख्या की आपूर्ति के लिए खाद्यान्न, खेती, कृषि, इस पे विशेष बल दिया जा रहा है, और अधिक पैदावार की इच्छा में पृथ्वी के जो जल स्रोत हैं वहाँ से अधिक पानी का दोहन किया जा रहा है। साथ में उर्वरक और तरह तरह के रासायनिक पदार्थ भी खेती में यूज किए जा रहे हैं। ये सभी उर्वरक और रासायनिक पदार्थ पानी के साथ बहकर जब वापस जल स्रोत तक पहुँचते हैं तो ये उस पानी को, जो स्वच्छ पानी का स्रोत है, उसको भी प्रदूषित कर देते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो पीने के अतिरिक्त पानी को घरेलू सिंचाई, कृषि कार्य, मवेशियों के उपयोग तथा औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग लिया जाता है। वहाँ पे उपयोग होने के बाद जब पानी वापस वहाँ से बाहर निकलता है तो उसकी सूरत बदल जाती है। साथ ही समुद्र में गिरने वाली नदियाँ अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों के साथ प्लास्टिक और घरेलू उत्पाद, घरेलू कचरा भी लेके आती है, जिसकी वजह से समुद्र में जो जलीय जीव हैं उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। आए दिन वहाँ पर पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ती जा रही है, प्रदूषित पानी की वजह से आए दिन मरने वाले जीवों की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। आज यदि हम हमारी नदियों की बात करें तो गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे नर्मदा हो, गंगा की सूरत हिमालय से निकलने के बाद कानपुर तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल बदल चुकी होती है। रंगहीन पानी का विशेष रंग वहां पर नज़र आने लगता है। इसी प्रकार यमुना भी दिल्ली में एंटर होने से पहले अलग और एंटर होने के बाद अलग सूरत उसकी हो जाती है। जब कभी ताजमहल यमुना किनारे बनाया गया था तो उस नदी की वजह से उसे वहाँ बनाया गया था। चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि ताजमहल की जो नींव है वो लकड़ियों पे टिकी हुई है, एक विशेष प्रकार की लकड़ी जो पानी के साथ और मजबूत बनी रहती है। लेकिन आज सूरत बदल चुकी है, जहाँ सुंदरता दिखनी चाहिए थी वहाँ नदी का काला पानी एक तरह से ताजमहल के सफ़ेद रंग के सामने वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिखाता है। यदि हम बात करें कीटनाशक या जैवनाशक की, तो हमारे पारिस्थितिकी जो तंत्र है इसमें अनेक कीट ऐसे होते हैं जो वनस्पतियों या वानस्पतिक जो उत्पाद होते हैं उनके ऊपर आश्रित रहते हैं। इन कीटों के अतिरिक्त फसलों पर पनपने वाले परजीवी बैक्टीरिया या वायरस भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जब कीट या फिर अन्य परजीवी फसलों पर धावा बोलते हैं तो देखते ही देखते पूरी फसल को चट कर जाते हैं। कृषि क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले इन रसायनों
कि यदि हम बात करें तो जब कीटनाशक का छिड़काव हम पौधों पर करते हैं, फसल पर करते हैं, तो ये फसल के साथ चिपक जाते हैं, और पानी जब इनके ऊपर गिरता है तो पानी के साथ घुलकर ये पानी के साथ बहकर जो हमारे जल स्रोत हैं वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं, और उसमें जो उपस्थित जल है उसको दूषित कर। फसलों को ऐसे कीटों से बचाने के लिए आवश्यकता अनुसार कीटनाशकों का छिड़काव फसलों पर किया जाता है। कीटनाशकों के रूप में उपयोग में आने वाले ज़्यादातर रसायन बहुत ही जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। अधिकांश में ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो कैंसर कारक होते हैं। आपको एक बात बता दूं, पंजाब भारत में सबसे ज़्यादा उर्वरक उपयोग करने वाले राज्यों में से एक है। इसी की वजह से पंजाब से एक ट्रेन चलती है जो आती है बीकानेर, और उस ट्रेन को जाना जाता है कैंसर एक्सप्रेस के नाम से। बीकानेर में एक हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए लोग पंजाब से बीकानेर आते हैं, और उसमें अधिकांश लोग कैंसर पीड़ित होते हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं सीवेज सिस्टम की। हमारे देश की बढ़ती आबादी के साथ आवासीय कॉलोनियों का भी विस्तार हुआ है, लेकिन इसी अनुपात में साथ में सीवेज अपशिष्ट की मात्रा में भी बढ़ोतरी हुई है। आज भी हमारे देश में सीवरेज सिस्टम की यदि हम बात करें तो कोई संतोषजनक व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में जो दूषित जल है, जो मलमूत्र वाला जल है, जो घरेलू अपशिष्ट पदार्थ वाला जल है, वो सीधा नदियों में जा मिलता है, और इसकी वजह से यह दूषित जल जब नदी में मिलता है तो इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो भी नदी में मिल जाते हैं, तो नदी के जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा को ये कम कर देते हैं, जो जलीय जीवों के लिए एक संकट का कारण है। इसके अतिरिक्त ये कई रोगों का भी कारण बनते हैं। इसके द्वारा कई संक्रामक रोग होते हैं जिसकी वजह से कई लोगों की जान तक चली जाती है। जो समुद्र बीच कभी शहर की शोभा बढ़ाते थे, आज वो कचरे से अटे पड़े हैं। इसी प्रकार प्लास्टिक एवं पॉलिथीन जो बैग्स होते हैं वो भी प्रदूषण में बहुत भारी भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः जो प्लास्टिक होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का अर्थ है कि ऐसे पदार्थ जो स्वतः ही प्राकृतिक रूप से पुनः पृथ्वी में घुल मिल जाएं ताकि उसे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। इसी प्रकार औद्योगिक जो दूषित जल है, औद्योगिक कारखानों से, कल कारखानों से, पेपर मिल हो, डिस्टलरीज हो, चाहे कपड़ा उद्योग हो, चाहे चमड़ा उद्योग हो, वहाँ से अलग अलग तरह का दूषित जल उत्पन्न होता है, और इसकी अलग अलग संरचना होती है। जब यह दूषित जल जलीय जीवों तक पहुँचता है, मछलियों तक पहुँचता है, तो उन्हीं मछलियों का सेवन जब लोग करते हैं, इंसान करते हैं, तो भारी धातुएँ जो दूषित जल के साथ मछलियों के शरीर तक पहुंची थी वो मनुष्य के शरीर तक भी पहुंच जाती, और इन भारी धातुओं के दीर्घगामी प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ते हैं। हमारे देश में नदियों का विशेष महत्व है। यहाँ इन्हें मातृ शक्ति का दर्जा दिया जाता है, इन्हें पूजा जाता है, इनमें फूल, पत्तियां, नारियल, अस्थि, यहाँ तक कि शव भी प्रवाहित कर दिए जाते हैं। कुछ धार्मिक अंधविश्वास मानी है, चाहे कुछ परंपराएं माननी है, लेकिन इन परंपराओं और धार्मिक अंधविश्वास की वजह से एवं कल कारखानों के दूषित पानी की वजह से नदियों में प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वैसे तो जल को अमृत कहा गया है, लेकिन जब इस अमृत में हानिकारक या अवांछनीय विषैले पदार्थ मिल जाते हैं तो यह विष बन जाता है। अब हम बात करते हैं दूषित जल में उपस्थित भारी धातु और उनका हमारे शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव। सबसे पहले यदि मैं बात करूं मरकरी, जिसे हम पारा भी कहते हैं, तो यह एक अत्यंत विषैली धातु है जिसका प्रभाव घातक एवं जानलेवा होता है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों ही रूपों में मरकरी के यौगिक बहुत विषैले होते हैं। इसी तरह भारी धातुओं में शामिल लेड भी पाचन तंत्र एवं मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव डालता है। क्रोमियम की यदि बात करें तो इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। आर्सेनिक की यदि हम बात करें तो इसकी वजह से चर्म रोग, हड्डियों में विकृति और मानसिक रोग आदि हो सकते हैं। मरकरी के अलावा कैडमियम, जो कि जिंक निकालने के कारखाने हो या फिर हम बात करें बैटरी उत्पादन उद्योग हो, तो वहाँ से जब ये निकलता है कैडमियम,
तो यह यदि पेयजल में मिलेगा तो इसकी वजह से उल्टी, दस्त और हृदय रोग भी हो सकते हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध झील नैनीताल भी जल प्रदूषण से अछूती नहीं है। यहाँ पर घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा में दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है और अब यह स्तर 2.5 मिलीग्राम पर लीटर जैसे खतरनाक स्तर से भी नीचे पहुँच चुका है। यदि नाइट्रेट की बात करें तो 350 मिलीग्राम पर लीटर होने पर तो यूट्रोफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अभी इस झील में 250 मिलीग्राम पर लीटर हो चुका है, तो जैसे यूट्रोफिकेशन होगा तो यूट्रोफिकेशन एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें जलीय पौधे उगने लगते हैं, जिसकी वजह से डिजॉल्व्ड जो ऑक्सीजन है उसमें कमी आने लगती है और मछलियों पर, जलीय जीवों पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। तो हमारे झीलों को, तालाबों को सुरक्षित रखने के लिए हमें जल प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जल प्रदूषण को रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। जल स्रोतों में होने वाली प्रदूषणकारी गतिविधियां, एक्टिविटी, जैसे कि नदियों, तालाबों पर शौच करना, घरेलू कचरा, मूर्तियां या पूजन की सामग्री का विसर्जन करना, शवों को नदियों में बहाना आदि चीज़ों पर हमें अंकुश लगाना चाहिए। धार्मिक अंधविश्वास में आकर लाखों करोड़ों लोग एक साथ बहुत सारा फूल, पत्तियां और भी न जाने क्या क्या जब नदी में समर्पित करते हैं, बहाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में पानी प्रदूषित होता है, जलीय जीवों को नुकसान होता है एवं हमारे जो स्वच्छ जल स्रोत हैं उनको भी क्षति पहुँचती है। सभी कल कारखानों को मॉडर्न ट्रीटमेंट प्रोसेस अपनाने चाहिए जिससे कम से कम मात्रा में प्रदूषित तत्व फैक्ट्री या कारखाने से बाहर जा सकें। जल प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक है कि हमारे स्वच्छ जल के स्रोतों में जहाँ से भी प्रदूषित जल मिल रहा है उसे रोका जाए। औद्योगिक कारखानों से निकलने वाला जल हो, चाहे शहर के सीवरेज सिस्टम से निकलने वाला गंदा जल हो, उसको उपचारित करने के पश्चात ही सोर्स में, नदी में, नालों में मिलाया जाए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके आप जरूर हमें बताइएगा और ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मिलते हैं एक नए वीडियो में।